राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। वास्तव में इस गाने की गूंज आप में से न जाने कितने लोगों के कानों में गूंज रही होगी। अयोध्या नगरी ही नहीं बल्कि पूरे देश में रामलला के स्वागत की धूम है। अयोध्या के राम मंदिर में स्वागत की पूरी तैयारियां तो चल ही रही हैं और रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसे लेकर राम भक्तों में खासा उत्साह है। पीएम मोदी समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ चमत्कारों के बारे में जिसे देखकर और सुनकर सभी का उन पर विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन राम राज्य में सब कुछ हो सकता है। ये आप कैसे भूल सकते हैं, भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर के तैयार हो चुका है और मंदिर में भगवान श्री राम के विराजमान होने की तारीख नजदीक आती जा रही है। और जैसे जैसे वह तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या में चमत्कार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, जामवंत अपनी सेना के साथ अयोध्या के रास्ते चल दिए हैं, वही जटायु अपनी सेना के साथ अयोध्या पहुंच गए हैं। वह भी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव देखना चाहते हैं और अब इस वीडियो में आपके लिए एक नया अद्भुत आश्चर्य लेकर की उपस्थिति हुआ हूं, जिस आश्चर्य को देख करके देश दुनिया की खोज एजेंसियां, उनके वैज्ञानिक भी परेशान और हैरान नजर आ रहे हैं। उनके साइंस का कोई भी फैक्ट, कोई भी सिद्धांत इस चीज को समझने में असफल है कि कई लाखों साल पहले जीवित जामवंत जी की सेना भी भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है। आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा, आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं कह रहा हूं वह बिल्कुल सत्य है। अयोध्या में 22 जनवरी के महोत्सव को देखने के लिए जामवंत की सेना पहुंच चुकी है। रीछ अर्थात भालू राजा जामवंत, नाम आपने सुना होगा, बड़ा परिचित नाम है। जहां रामायण का नाम आएगा वहां जामवंत का नाम जरूर आएगा। दोस्तों, सतयुग में ब्रह्मदेव के अश्रुओं से पैदा हुए थे जामवंत। जामवंत महाशक्तिशाली थे, बड़े बलवान थे और उन्होंने 7 अवतारों की सेवा की। भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ तो जामवंत जी ने उनकी सेवा भरपूर की थी। जामवंत जी भगवान श्री राम के लीगल एडवाइजर के रूप में जाने जाते हैं। जामवंत जी कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे, जामवंत जी महाभट्ट योद्धा थे, हनुमान जी से भी अधिक शक्तिशाली और बलवान और पराक्रमी वीर। जामवंत जी कोई साधारण भालू नहीं थे। जब भगवान श्री राम ऋषि मुख नामक पर्वत पर पहुंचे थे तो वहां भी जामवंत जी ने ही भगवान श्री राम को सलाह दी थी कि हे प्रभु, बाली महापराक्रमी है, यदि आप बलि के सामने जाओगे तो निश्चित आपकी पराजय हो जाएगी, क्योंकि बाली में आधा बल आ जाता है दूसरे व्यक्ति का और बाली को मारना संभव नहीं है। वही व्यक्ति बाली को मारेगा जो इन वृक्षों को, जो कि दोस्तों ताड्डेक के वृक्ष थे, उन्हें एक ही बाण से ढा देगा। भगवान राम ने परीक्षण किया और 7 वृक्षों को एक ही बाण से ढा दिया और बाली भगवान श्री राम के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं, जब माता सीता की खोज करने के लिए वानर को इधर उधर भेजा जा रहा था तो जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी को भी एक सैनिक टुकड़ी की कमान सौंप थी। उनकी सैनिक टुकड़ी दक्षिण दिशा को गई थी। दोस्तों, भगवान श्री राम कहते हैं, सुनो, वीर अंगद हनुमाना जामवंत मत धीर सुजाना सकल सुवट मिल, दक्षिण जाओ सीता सुध, पूछो सब काओ कि तुम तीनों एक सैनिक टुकड़ी के साथ दक्षिण दिशा को जाओ और वहां सीता को खोजने का प्रयास करना। वही जामवंत जी को जब सीता जी का पता जटायु के बड़े भाई संपाति ने बता दिया तो उस समय वानर समुद्र को पार करना चाहते थे, तो जामवंत जी स्वयं अपने बल का वर्णन करके कहते हैं कि जब बलि से छल करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था, उस समय मैं बड़ा तरुण रहा था और मैंने 7 प्रदक्षिणा वामन भगवान के उस विराट स्वरूप की थी जिन्होंने 3 पग्गों में संपूर्ण लोकों को नाप लिया था, परंतु फिर भी मैं आज भी 95 योजन समुद्र को लांग सकता हूं। सोचिए कितने बड़े शक्तिशाली थे जामवंत जी। भगवान श्री राम के लीगल एडवाइस के रूप में काम किया था। जब राम रावण का युद्ध आरंभ हुआ, जब भगवान श्री राम की सेना लंका में पहुंची तो वहां भी जामवंत जी ने ही भगवान श्री राम को अपनी सलाह दी। अब अगर हम जामवंत जी की युद्ध भूमि की बात करते हैं तो वो कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे। जब रावण के वीर पराक्रमी पुत्र मेघनाथ ने भगवान राम की सेना पर नागों की वर्षा की थी, नाग फांसों से संपूर्ण वानरों को बांध लिया, भगवान श्री राम, लक्ष्मण सहित, हनुमान जी सहित बंधन में हो गए थे। ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। केवल एक वीर योद्धा शेष रहा था, वह था जामवंत, और जामवंत ने दुष्ट मेघनाथ को जमीन पर पटक लिया था और उसको घुमा करके लंका में फेंक दिया।
राम रावण युद्ध में जब रावण का वध हुआ, उससे पहले रावण से भी जामवंत जी कई बार भिड़े और रावण जामवंत के प्रहार को नहीं झेल सके। यहां तक कि कुंभकर्ण से भी जामवंत जी के भिड़ने का वर्णन लिखा हुआ है, परंतु कुंभकर्ण भी जामवंत को मूर्छित नहीं कर पाए। जामवंत भगवान श्री राम को हर समय सलाह देते रहे और उसी की सलाह पर चलकर कि भगवान श्री राम ने लंका को विजित किया था। जामवंत जी के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम अपने परम धाम को गए, सरयू के तट पर जल समाधि में मग्न होकर के अपने चतुर्भुजी रूप में आए, उस समय जामवंत जी से कहा था कि तुम लंबी आयु तक जीवित रहोगे, लेकिन उनका काल निश्चित नहीं किया। कहीं कहीं द्वापर के अंत तक का वर्णन भी मिलता है और द्वापर में भी जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वहां भी जामवंत का वर्णन आता है। भगवान श्री राम ने जामवंत को वरदान दिया था कि जामवंत जी, तुम्हें युद्ध कोई प्रधान नहीं कर सकता, तुम्हें युद्ध मैं प्रधान करूंगा और द्वापर युग में मैं कृष्ण रूप में अवतरित होऊंगा और तब तुम्हें पराजित करूंगा, तब तुम समझ जाना कि मैं आपका स्वामी श्री राम हूं। जामवंत जी ने पूरे युग इंतजार किया और गुजरात के आसपास के क्षेत्र में जामवंत जी की गुफा है, वहां एक पुत्री के साथ रहते थे। भगवान श्री कृष्ण की जब स्यमंतक मणि का विवाद चला सत्राजित के साथ, तो स्यमंतक मणि को खोजते हुए भगवान श्री कृष्ण जामवंत की गुफा में पहुंच गए और वहां उस महावीर योद्धा ने स्वयं साक्षात पार ब्रह्म श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण से 28 दिन तक घोर संग्राम किया था। सोचिए कितना शक्तिशाली था जामवंत, उन्हें साधारण तरीके से पराजित नहीं किया जा सकता था। फिर वो 28 दिन बाद अपने प्रभु को पहचान गए और वहां अपनी पुत्री का वर्ण भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया, जिसका नाम जामवंती वर्णित है, और स्वयं तपस्या के लिए चले गए थे। लेकिन जामवंत की मृत्यु का विवरण कहीं नहीं मिलता है। किसी भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी रामायण में यह नहीं लिखा हुआ है कि जामवंत जी की मृत्यु हो गई थी, वो स्वयं तपस्या के लिए चले गए थे और अनंत काल तक हिमालय के क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं। और वही समय अब नजदीक आ गया है, क्योंकि जब भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था तब देवता गण अयोध्या में आए थे, लेकिन अब वही उत्सव, क्योंकि भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे और वह समय है 22 जनवरी, ज्यादा दूर नहीं है। वह समय अब नजदीक आ चुका है और उस दिन जब भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे तो अपने प्रभु के दर्शनार्थ भालू की एक टुकड़ी पहुंच चुकी है। बहुत से पत्रकारों ने यह दिखाया है कि अयोध्या के आसपास भालू का एक विशाल समूह देखा गया, जिनमें बहुतायत में संख्या थी, और वह भालू अयोध्या के नजदीक आ गए हैं तो क्यों आए? वह भी भगवान श्री राम का उत्सव देखना चाहते हैं, वह नजारा देखना चाहते हैं कि भगवान श्री राम को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से विराजमान करेंगे। उस समारोह में प्रधानमंत्री पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल और बड़े बड़े दिग्गज वीआईपी वहां सम्मिलित होंगे। कई खेल अस्थियां वह सम्मिलित होगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जितनी भी एजेंसीज हैं, सुरक्षा एजेंसी उनको चौकन्ना कर दिया है। वहां कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव है और ऐसे समय को देवता भी छोड़ना नहीं चाहते। देवगण भी उस समय आकाश में उपस्थित हो जाएंगे। तो दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद हम कह सकते हैं कि अयोध्या में आगे और भी चमत्कार हो सकते हैं। फिलहाल अभी से यह चमत्कार मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर चुका हूँ। और बंदरों की बात करूं तो वानर तो अयोध्या में बहुत पहले से ही थे। हनुमान गढ़ी नामक एक पावन मंदिर है और उस मंदिर के आसपास हजारों की संख्या में वानर देखे जा सकते हैं। वानरों की कई प्रजातियां हैं जो हनुमान जी की श्रेणी के वानर हैं। वो इस समय चित्रकूट से अयोध्या पहुंच गए हैं, तो अब भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में स्थापित मंदिर में विराजमान होंगे। अयोध्या में पूरी तरीके से महोत्सव मनाया जाएगा। यदि दर्शकों आपको भी अयोध्या जाने का मौका मिले तो आप जरूर जाएं और हमें कमेंट करके लिखें कि कौन कौन भाई अयोध्या 22 तारीख को जाएंगे। एक और खबर पर आते हैं जो कि आई है वृंदावन से, जहां श्री राम जन्मभूमि के सवाल पर श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने भारत में रह रहे मुस्लिम मौलानाओं को परेशान करके रख दिया है। दरअसल यह बात है वृंदावन की, जहां साध्वी रतंभरा देवी का जन्मदिन मनाया जा रहा था और साध्वी रतंभरा का यह 60वां जन्मदिन था, जिस पर 3 दिवसीय कार्यक्रम था। यहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी आना था, लेकिन खराब मौसम के चलते वह नहीं आ पाए। इसी बीच में केशव प्रसाद मौर्य जी से एक सवाल पूछा जाता है, जिसका जवाब वह ऐसा देते हैं कि भारत में एक हलचल शुरू हो जाती। इस मौके पर जब डिप्टी सीएम से यह सवाल किया गया कि श्री राम जन्मभूमि के बाद अब क्या होगा,
उन्होंने जवाब दिया कि राम मंदिर तो बन गया है, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की तैयारी की जा रही है। यानी कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने यह बात कह दी है कि अब राम मंदिर के बाद बारी है श्री कृष्ण जन्मभूमि की और सबको इंतजार है 22 जनवरी का, जब 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति की तैयारी भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा है कि श्री कृष्ण मंदिर की तैयारी की जा रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ बीजेपी में इस मुद्दे को लेकर चल जरूर रहा है और उम्मीद है कि 2024 के चुनाव में यह बात जनता के सामने रखी भी जाएगी। एक अद्भुत खबर आ रही है अयोध्या से कि पता लग रहा है कि अयोध्या में महात्मा जटायु पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि सन 2000 के बाद से कहीं भी गिद्ध दिखाई नहीं देते थे और अचानक 23 साल बाद अयोध्या नगरी में गिद्धों का झुंड पहुंच गया है। लोग कह रहे हैं कि यह साक्षात जटायु हैं जो भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। दोस्तों, अयोध्या से जटायु जी के प्रवेश की यह खबर जैसे ही लोगों को मिली, यह ट्विटर पर वायरल हो गई। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसको लेकर ट्वीट करते हुए दिखे। इसके अलावा बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस पर वीडियो बना रहे हैं। मीडिया भी कवरेज करने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है, क्योंकि यह अपने आप में बड़ी खबर है कि जटायु जी अयोध्या पहुंच चुके हैं। लोग यह कहने लगे थे कि अब गिद्ध केवल किताबों में ही देखने को मिलेंगे। ऐसे साक्षात देख पाना अपने आप में एक चमत्कार है, वह भी अयोध्या में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह अपने आप में एक चमत्कार है। जब जटायु ने प्राण त्यागे, भगवान राम ने अपने पिता की तरह ही उनका अंतिम संस्कार किया था, तो आज लोगों को यह आश्चर्य हो रहा है कि जो गिद्ध लुप्त हो चुके थे, यहां तक कि सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किया जा चुका था कि गिद्ध एक लुप्त प्रजाति है, लेकिन अचानक से 23 साल बाद अयोध्या में प्रकट होना जटायु का, यह बहुत बड़ी बात है और किसी चमत्कार से काम नहीं है। अयोध्यावासी भी ऐसा मान रहे हैं, यानी कि जिस प्रजाति के बारे में यह दुनिया यह मान बैठी है कि यह प्रजाति अब दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन भगवान श्री राम की महिमा ऐसी है कि जैसे ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी आई, न जाने कहां से जटायु महाराज स्वयं साक्षात अयोध्या में प्रकट हो गए। इस पर रामायण में भी लिखा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनहि बहु विधि सब संता। यानी भगवान की महिमा अनंत है, उसको यह क्या, सरकार क्या, दुनिया क्या, वैज्ञानिक कोई नहीं जान सकता। आज जटायु जी का अयोध्या में आना यह वैज्ञानिकों को भी चुनौती देता है, उन नास्तिकों को भी चुनौती देता है और भारत में कन्वर्टेड हो चुके हैं उन कट्टरपंथियों को भी चुनौती देता है जो यह कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर हम एक न एक दिन गिरा देंगे जब हमारी सत्ता आएगी। अरे मूर्खो, जब स्वयं 33 कोटि देवता सूर्य, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व भगवान श्री राम के इस मंदिर की रक्षा का प्रण ले चुके हैं, तो तुम क्या, तुम्हारी आने वाली 1000 पीढ़ियां भी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज की वीडियो में इतना ही है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके धन्यवाद।